हे गाइस, अमेजिंग गुजरात चैनल में आप सबका स्वागत है और मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो आज हम चल रहे हैं उमरगांव बीच, जो मेरे घर से कुछ 30 किलोमीटर्स दूर। और हाँ, ये पूरा वीडियो वॉइस ओवर जाने वाला है, क्योंकि जो मैंने वीडियो शूट किया था, जो मैंने क्लिप शूट की थी, उसमें बैकग्राउंड में गाड़ी की और दूसरी बहुत सारी वॉइस आ रही थी, तो मेरी वॉइस क्लियरली नहीं जा रही थी, तो इस वजह से पूरा वीडियो वॉइस ओवर जाने वाला है। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं आगे फोकस करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊँ, अच्छे अच्छे प्लेस दिखाऊँ, अच्छे अच्छे लोकेशन दिखाऊँ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। बाकी तो अभी बीच पे जा ही रहे थे, तो रास्ते में मुझे कोई प्लेस दिख गई, तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूँ। इसे कहते हैं अकरा मारुति, जो बीच से कुछ 5 मिनट की दूरी पर। बहुत ही अच्छी प्लेस है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अभी तो दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, बट शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है, वॉक के लिए आती है, बैठने के लिए भी सब बहुत आते हैं, क्योंकि बहुत पीसफुल जगह है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छा लोकेशन भी है और बीच से बहुत नज़दीक है, कुछ 5 मिनट की दूरी पर है। इस प्लेस को बोलते हैं अकरा मारुति, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्लेस। और ऐसे पीसफुल प्लेस किसको नहीं अच्छी लगती, जिसे जहाँ शांति मिले। और फिर हम फाइनली पहुँच चुके थे बीच पे। आज संडे था तो पब्लिक तो है, बट हम घर से निकले थे कुछ 12:30-12 बजे के लमसम, तो काफ़ी धूप है, तो धूप की वजह से ज़्यादा पब्लिक तो आपको दिखे ही नहीं। बाकी शाम को यहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है और काफ़ी सारे स्टॉल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे खाने पीने के, और बच्चों की खेलने की चीज़ें वगैरह सब मिल सकता है। और शाम के टाइम पे आपको हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग सब देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो इतना धूप है तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा पब्लिक, बट शाम के टाइम पर फुल पब्लिक, और संडे है तो ऑफकोर्स और पब्लिक रहेगी। तो फिलहाल तो पानी बहुत दूर था, तो हमने सोचा इतने दूर तक आए और पानी में ना जाए तो कैसे चलेगा भाई। तो हम चलते चलते पानी तक जाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत दूर है, हम पहुंच जाए पानी तक, क्योंकि समुंदर किनारे आए और पानी में ना जाए तो अच्छा लगे। तो फाइनली हम चलते चलते पहुँच चुके थे पानी में, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं, प्यारी प्यारी लहरें समुंदर की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और चलते चलते हम इतने थक गए थे कि हमें भूख लग गई थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए। इस आंटी के वड़ा पाव बहुत टेस्टी होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वड़ा पाव खाया जाए, गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी। तो हमने यहाँ खाए गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी वड़ा पाव। फिर यहाँ से हम निकल रहे थे, तो हमने सोचा यहाँ पे उमरगांव में बहुत सारे सीरियलों के शूट होते हैं, तो हम चले गए स्वास्तिक भूमि 1 स्वास्तिक भूमि 2 स्टूडियो है गोवाड़ा में। तो हमने सोचा वहाँ जाके आपको सेट या शूट चालू हो तो हम बताएं, तो हम चले गए स्टूडियो के पास। स्टूडियो पे पहुँच तो गए थे, बट बैड लक क्या, यहाँ पे कोई भी शूट नहीं चालू था, तो हमें बाहर से ही रिटर्न होना पड़ा। बाकी आप लोग को पता होगा कि उमरगांव में बहुत सारे सीरियल के शूट हुए थे, जैसे कि कर्मफल, दाता, राधा कृष्णा, पोरस वगैरह, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेट्स बने। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और ऐसे ही आप लोग का मुझे प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो, कमेंट्स करो और ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँ।